आप एकदम ठीक कह रहे, मैं भी आपके साथ हूँ। माँ, जो बच्ची अपनी माँ को अपने से दूर कर सकती है, वो एक ना एक दिन परिवार को भी दूर कर ही सकती है, और हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे बेटा। इसलिए आज ही हम तुझसे खुद ही दूर हो रहे हैं। सीख ले तो ये तेरा सबक है, ना सीखे तो तेरी सजा। जा बेटे, ऑल द बेस्ट। और हाँ सुन, इन दोनों को गाड़ी में जाने देना। तू या तो रिक्शा पकड़, या तो पैदल जा, या तो जैसे भी जा, लेकिन इन दोनों के साथ मत जा। तो महान लोग हैं, ये तेरे जैसी छोटी औकात वाले औरत के साथ नहीं जाएंगे। अरे तेरी औकात ही क्या है, सिर्फ माँ ही तो है। बा, रोकिए ना बापूजी को। मैं नहीं रोकूंगी, पर तू भी गलती से मत रोकना। आज ज्वालामुखी फटा है तो दूर ही रहना, और ऐसे तेरे बापूजी कुछ गलत नहीं कर रहे। पाखी और मैदे की कटोरी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने अपने कमरे में जाओ। ढूंढ रहा है बेबी। कॉन्ग्रेट्स अनुपमा, तुमने पाखी से उसकी फैमिली भी छीन ली। बट यू डोंट वरी पाखी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सब मम्मी के वजह से हुआ। आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। चलो पाखी, चलो। आज नहीं अनुपमा। बापूजी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना बापूजी। बापूजी, आप अपना ही सीखा हुआ सबक बोल रहे हैं। आपको याद है जब आप बचपन में बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाते थे तो क्या कहते थे, कि अगर ज्यादा ढील दे दी तो डोर छूट सकती है। ज्यादा कस दो तो डोर टूट जाती है। मैंने जरूरत से ज्यादा ढील दे दी बापूजी, और आप जरूरत से ज्यादा कस रहे हैं। मेरे बाबा कहते थे कि दवा और सजा अगर थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो उल्टा असर करती है, एक बार बड़े हो जाए तो जिंदगी जैसे फास्ट ट्रेन में बैठ जाती है। हर खास दिन, जन्मदिन, त्योहार, फंक्शन, मेला, सब कुछ ऐसे फटाफट फटाफट निकल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। पर बचपन, बचपन तो पैदल चलता है, एक एक दिन रुक रुक के देखता है, एक एक बात, एक एक पल याद रखता है। इसलिए तो बचपन का हर त्योहार, बचपन का हर मेला, बचपन का हर खास दिन, बचपन की हर खुशी और बचपन की हर चोट याद रहती है। वैसे ही स्वीटी भी आज का दिन कभी नहीं भूलेगी बापूजी। अभी आपके ऊपर है कि वो ये दिन खुशी के लिए याद रखे या फिर चोट के लिए।
जानती हूँ कि स्वीटी ने बहुत बहुत बदतमीजी की है और उसकी सजा भी हम उसे देंगे, पर आज नहीं बापूजी, आज नहीं। आज पाखी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं पाखी और काव्या का परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ एंड आई एम श्योर कि बाकी लोग अनुपमा का परफॉर्मेंस भी देखना चाहते होंगे। बापूजी अगर आज गुस्से में रहेगा ना तो जिंदगी भर के लिए गिल्ट में रह जाएंगे। आप गुस्सा कर लीजिएगा पर कल मैं भी करूंगा। हाँ बापूजी, प्लीज बापूजी, आज नहीं। समर, नंदिनी, तुम्हें अगर अनुपमा की मदद करने जाना है तो जाओ, और वनराज, तुझे अगर अपनी बीवी और बेटी के लिए जाना है तो जा, पर और कोई नहीं जाएगा। चलिए मम्मी, देर हो रही। ऑल द बेस्ट मम्मी, अब जाइए, मैं यहाँ सबका ध्यान रखूंगी।